हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि काफ़ी दिन से हम लोग रक्षाबंधन मना रहे थे, लगभग 3 दिन हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि रक्षाबंधन के में यहाँ काफ़ी घर वाले आए हुए थे, तो इस चक्कर में थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो चलो फिर, लेकिन स्टार्ट करते हैं अपना। एक नया टॉपिक है, नया फाइलम है, जिसे कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा के बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इसका भी हम लोग अच्छे से डिटेल में जाएंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, डेफिनेशन पार्ट कवर करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक पार्ट, क्लासिफिकेशन पार्ट और एग्जांपल्स एंड इसके एमसीक्यू पार्ट्स को भी कवर करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक पार्ट को देख लेते हैं कैसे क्या है। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट को देखते हैं। इंट्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला हमारा आर्थ्रोपोड्स किसे हैं, कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके, अगर इसे अलग तोड़ा जाए या इसको डिवाइड किया जाए, तो आर्थोज मतलब होता है जॉइंट एंड पोडाज मतलब फूट। जिनमें जॉइंट फूट्स पाए जाते हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा कहते हैं। दे आर एक्सट्रीमली डाइवर्स, ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स जनरा है, फाइलम है। लगभग 10 मिलियंस इसमें स्पीसीज पाई जाती हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज रिमेन डिफिकल्ट टू डिट, इनमें जो एक कुछ डिफिकल्ट होता है डिटरमाइन करना, कि मतलब एक स्पीसीज पाई गई भी फिर न्यू न्यू स्पीसीज इसमें ऐड होती रहती हैं आर्थ्रोपोड्स में। इनका जो हैबिटेट है अर्थ पर शो करता है, और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है एडाप्टेशन में। और ये फाइलम जो होता है सेवरल लार्ज क्लासेस जो इसमें पाए जाते हैं, और कॉन्टेन इनमें सबसे बड़ा जो क्लास है वो उसे है इंसेक्टा का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर पोर्शन ऑफ इंसेक्ट लगभग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये लोग। ये इस इंसेक्ट इंसेक्टा क्लास के जो एनिमल्स हैं वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, दे पजेस एबिलिटी टू सर्वाइव एवरी हैबिटेट। ओके, ऐसी इनकी बॉडी होती है कि ये किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। लगभग लगभग इनमें 1,34,000 इसमें स्पीसीज पाई जाती है। ओके, 1,01,34,000 स्पीसीज। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बाइलेटरल सिमिट्री एंड मेटामेरिज्म सेगमेंट। ओके, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब इन्हें दो भागों में अच्छे से डिवाइड किया जाता है और इक्वल भाग में। मेटामेरिक सेगमेंट मतलब इक्वल, इनमें जो सेगमेंट होता है सीरियल वाइज होता है। ओके, बॉडी कवर्ड, इनकी जो बॉडी कवर होती है विथ ज्वाइंटेड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन से इनकी बॉडी कवर होती है। इनमें मोल्टिंग पीरियोडिकली पाया जाता है, इनमें मतलब मोल्टिंग अपनी बॉडी को मोल्ट करते रहते हैं, अपडेट बोल रही हूँ, मतलब मोल्टिंग इनमें पाई जाती है। ओके, कह सकते हैं अपडेशन इनमें भी होता रहता है। विद जॉइंट सेगमेंटेशन, इनमें जॉइंट सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है अपेंडिसेस। ओके, सीलोम इज हाईली रिड्यूस्ड, इनमें ही रिड्यूस टाइप का सीलोम पाया जाता है, वो क्या होता है हीमो सीलोमिक। इसमें आर्थोपोड और मोलस्क में हीमोसिलिक सीलोमिक कैविटी ही पाई जाती है। ओके, तो इनमें हीमोसिलिक कैविटी पाई जाती है, रिड्यूस टाइप की कैविटी। तो ये हुआ इसका डेफिनेशन पर, बाइलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिज्म और बॉडी कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मोल्टिंग पीरियोडिकली एंड जॉइंटेड सेगमेंटेशन अपेंडिजेस, सीलोम जो होता है रिड्यूस्ड होता है बॉडी कैविटी, जिस दिस इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स। करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, इनका करेक्टरिस्टिक सबसे पहले हैबिटेट इनका देख लेते हैं। हैबिटेट, ये किस हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, मोर मेराइन फ्रेश वाटर, टेस्टियल, सब टेरेन एंड एरियल, ये किसी भी हैबिटेट है। मतलब आप देख सकते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कहीं पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब एयर में भी पाए जाते हैं, और सॉयल में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, और समुद्र में भी पाए जाते हैं, और ओशियन में भी पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये हर जगह ही अपने आप को पाए जाते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सम आर्थ्रोपोड लाइक द बैनेकिल्स एंड सेडेंट्री, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्यूमरेबल क्रस्टेशियन हुच लिव इन द प्लैंकटॉन्स मूव्स पैसिवली इन द करंट ऑफ वाटर, मतलब एक जो प्लैंकटॉन होता है, कभी कभी ये क्रस्टेशियन जो होते हैं ये प्लैंकटॉन के अपोजिट मूव करते हैं वाटर में। बट वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मेनी आर्थ्रोपोड्स फॉर मूविंग इफेक्टिवली बाई स्विमिंग, क्राउलिंग एंड फ्लाइंग। लेकिन कुछ
इसमें ज्यादातर जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है फुली डेवलप्ड होता है, ज्यादातर फुल डेवलप्ड पाया जाता है, जिनमें कि स्विमिंग भी होती है कर लेते हैं, क्राउलिंग भी कर लेते हैं, मतलब क्राउलिंग जैसे रेंग कर चलना कर सकते हैं, और फ्लाई उड़ भी लेते हैं। सम आर्थ्रोपोड्स आर लिव इन द बोरोज, कुछ बोरों में रहते हैं, और सम आर इफेक्टिव डिगिंग, और कुछ क्या करते हैं बिल बना के रहते हैं, मे बी वेल डिजाइनेटेड नेस्ट, और कुछ नेस्ट बना के रहते हैं, और कुछ जो हनी भी जैसे एंट, टर्माइट्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म लीड टू द कंप्लीट, ये सोशल लाइफ को दिखाती है, मतलब सोसाइटी डेवलप्ड करती हैं, ओके मतलब ग्रुप में रहने को दिखाती हैं। ऑल फूड्स हैबिटेट, ये हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, ओमनीवोरस एंड सीम सम ऑफ द आर्थ्रोपोड्स इज द फूड गेटिंग डिवाइसेस इन मेड विद इन द ग्रुप से, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने ग्रुप में फूड को डिवाइड करके खाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ आर्थ्रोपोड लिव इन द पैरासाइट्स, कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो पैरासिटिकली भी डेवलप्ड होते हैं। स्ट्रक्चर अकर, मतलब ये पीरियड अपना जो पर्टिकुलर लाइफ होती है किसी पर्टिकुलर एनिमल में भी, ऐसे भी आर्थ्रोपोड होते हैं जो कि पैरासाइट के रूप में डेवलप करते हैं। मेनी आर्थ्रोपोड्स आर वेल नोन फॉर दियर हैवी हैबिट्स एंड माइग्रेशन, मतलब बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो कि इन पर डेवलप्ड कर जाते हैं, इन एनिमल्स को, मैंने पैरासाइट के ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे मॉस्किटो हुआ वो पैरासाइट के ट्रांसमिशन जैसे प्रोटोजोन्स को ट्रांसफर करता है। ओके सम ऑफ देम कैन बी प्रोड्यूस साउंड नियरली क्यूब्ड एंड मे बी इफेक्ट सेंस ऑर्गन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप देख सकते हैं रात में कीड़ों की आवाज सुनाई देती है, अगर गांव में जाओ तो वहां पे काफी आवाजें आती रहती हैं। अगर इनके बॉडी डिवीजन की बात करें तो बॉडी इनका टू और थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन बॉडी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इज द हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, बट व्हेन बॉडी डिवाइडेड इन टू पार्ट इज द सिफेलोथोरेसिक होते हैं, हेड एंड थोरेक्स फ्यूज होते हैं, टुगेदर होते हैं। ओके माउथ इज ऑलवेज सराउंडेड, इनके जो माउथ होता है सराउंडेड पार्ट होता है, सराउंडेड किससे सराउंड होता है, माउथ पार्ट से, कुछ में भी डिफरेंट टाइप जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हिस्से में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कुछ में चीविंग के लिए होते हैं, जैसे चीविंग मतलब होता है चबाने के लिए, जैसे कॉकरोच हुआ, साइफनिंग के लिए होता है, जैसे साइफनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सक कर लेना, मतलब ओके साइफनिंग, तो वो बटरफ्लाई में देखने को मिलता है, स्पॉन्जिंग टाइप में मतलब सोख लेना, वो हाउस फ्लाई में देखा, पियर्सिंग मतलब चुभाना, और सकिंग मॉस्किटोज में देखने को मिलता है, वो चुभाते हैं ब्लड को सक करते हैं। इसके बाद दे हैव जॉइंटेड, इनमें जॉइंटेड अपेंडिजेस पाया जाता है एंड डिफरेंटली मॉडिफाइड परफॉर्म डिफरेंट, मतलब इसके जो जो अपेंडिजेस होते हैं डिफरेंट मॉडिफाइड होकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ओके कलेक्शन ऑफ हनी बी एंड हनी बी फॉर द जंपिंग इन ग्रासहॉपर, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो पॉलन गेन को भी कलेक्शन में हेल्प करते हैं, हनी बी की कलेक्शन में भी हेल्प करते हैं। दीज में भी थ्री टाइप, जो इनके अपेंडिजेस होते हैं थ्री टाइप के होते हैं इन इंसेक्ट में, और फोर टाइप के होते हैं इन स्पाइडर में, और फाइव टाइप के होते हैं डिकेट क्रस्टेशियन एंड मेनी टाइप के होते हैं मैलीपीट्स में। इनमें सिमेट्री कैसे पाई जाती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ओके बाइलेटरल मतलब इनको ऐसे आप कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में कटेंगे, या ऐसे करेंगे तब पर भी इक्वल हाफ में कटेंगे, आप इसको ऐसे कट करेंगे तो इक्वल हाफ में कटेंगे, और अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो भी ये इक्वल हाफ में कटेंगे। इनका भी वही है, अगर ऐसे कट करेंगे तो इक्वल हाफ में कटेंगे, अगर इनको ऐसे कट करेंगे ये इक्वल हाफ में, मतलब किसी एक पोर्शन से आप इसे कट करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ओके तो यही हुआ, इन रिस्पेक्ट टू द आर्थ्रोपोड बुल लाइक द ह्यूमंस आर द राइट हॉप्स एंड आर्थ्रोपोड्स इज द मिरर इमेज इन इट्स लेफ्ट हाफ इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब इनका एक हाफ जो होता है दूसरे हाफ का मिरर इमेज होता है। जैसे अगर ह्यूमंस बॉडी होती है, अगर उन्हें ऊपर से नीचे तक हाफ कट किया जाए तो आधा जो होता है दूसरे का आधे का मिरर इमेज शो करता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कैसा मिलता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने जैसे कि ओबरी भी देखने को मिलती है, इंटेस्टाइन देखने को मिलता है, स्टमक देखने को मिलता है, क्रॉप देखने को मिलता है, नर्व कार्ड देखने को मिलता है, ट्रैकिया देखने को मिलता है, फेरिंग्स हो गया, माउथ हो गया, एंटीनी हो गया, सेरिब्रो गैंग्लिया हो गया, हेड हो गया, थोरेक्स
थोरेक्स पार्ट आपको देख रहा है, इसकी बॉडी डिवीजन हो गया, एब्डोमेन हो गया, हार्ट हो गया, डार्सोपेंटल ब्लड वेसल्स हो गई, मतलब इसमें सारे बॉडी एनस पार्ट हो गया, मतलब माउथ इनमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप का, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी प्लान पाया जाता है। ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान का मतलब होता है इनमें जो इंगेशन और इगेशन पार्ट होते हैं वो अलग अलग के अलग अलग पोर के माध्यम से होते हैं। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, मतलब त्रिजन्म लेयर पाई जाती है इनमें। ओके, एम्ब्रियोनिक जैसे आउटर इक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म एंड मिडिल इज द मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इक्टोडर्म देख सकते हैं ये रहा, इंडोडर्म ये रहा, और मेसोडर्म ये हुआ। ये क्या होते हैं, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अगर इनका एक सेक्शन काटा जाता है अगर इसका पार्ट का, तभी ये देखने को आपको मिलता है। एक जो स्केलेटन की अगर बात करें तो ये स्क्लेरटाइज्ड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो कि फॉर्म होता है काइटिनस का, काइटिन का, क्यूटिकुलर प्लेट और स्क्लेराइट, जिसे स्क्लेराइट कहते हैं। एक्सोस्केलेटन अंडरगो पीरियोडिक मोल्टिंग और डाइसिस, मतलब इनमें मोल्टिंग पाई जाती है, या डाइसिस मतलब होता है जैसे आपने उसको देखा, सांप को अपना केचल छोड़ते हुए देखा होगा ना, वो ऐसे ही टाइप का, मतलब अपनी जो पुरानी बॉडी होती है उसको निकाल के एक नई बॉडी को धारण करना, उसी कहते हैं डाइसिस। द एक्सोस्केलेटन ऑफ मोस्ट क्रस्टेशियन इज द बायोमिनरलाइज, जो एक्सोस्केलेटन होता है किसी किसी में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, सीलोम की अगर बात करें तो इसमें हीमोसीलोमेट होते हैं एंड हैव स्यूडोसील सील फिल विथ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमो सील। इसमें क्या को होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो ब्लड कैविटी होती है, सॉरी बॉडी कैविटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। बॉडी की मतलब ये मान लो ये बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होकर क्या होगा, ये ब्लड से फिल हो जाती है, ब्लड से फिल होने की वजह से ही इसको क्या कहते हैं, हीमोसिलोमेट इसीलिए कहते हैं। और ये मोस्टली जो पाया जाता है जिनमें उस टाइप का ब्लड फ्लो होता है, जैसे हीमोलिम्फ टाइप का जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उन्हीं में ही ये मोस्टली देखने को मिलता है। और ये इस टाइप का ब्लड, इस टाइप का सीलोम है आर्थोपोड और मोलस्क में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो इसका जो फंक्शन होता है हीमोसीलोमेट्स का, ये हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन शो करता है। हाइड्रोस्टैटिक फंक्शन का मतलब होता है, मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ऑर्गन, सॉरी ये एनिलिड्स हो गया, आर्थोपोड्स होना चाहिए था। ऑर्गन सिस्टम इसमें कैसा होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अगर इनके मसल्स की बात करें और अपेंडिजेस और लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, तो ऑल अपेंडिजेस ऑल आर्थोपोड्स मसल सीम्स टू द स्ट्रिएटेड टाइप की मसल्स पाई जाती हैं, मतलब स्वैच्छिक मसल्स पाई जाती हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार वर्क करती है, नॉट ऑब्लिक स्ट्रिएटेड, जो इनमें जो ये नॉट ऑब्लिकेट स्ट्रिएटेड स्मूथ एंड सार्कोमियर्स इसमें देखने को मिलता है। वायरिंग लेंथ देखने को, मतलब इनकी जो लेंथ होती है वायरिंग टाइप की होती है। अगर प्रिंसिपल बिंग्स की बात करें, जो मसल्स होती है उनमें डॉर्सो बेंटल मसल्स देखने को मिलती है, जो कि रन होती है बेंटल फ्रॉम स्टर्नम टू टर्गम, टर्गम की तरफ, मतलब स्टर्नम से लेकर ये टर्नम तक लेंथ में रन करती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है रन करती है लेंथ वाइज। ओके, इस सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मेक द टर्गन बो लाइक, जो टर्गन मसल्स होती है वो बो लाइक बनाती है। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉर्सोबेंट्रल मसल पुल डाउन, और जब डॉर्सोबेंट्रल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये पुल डाउन हो जाती है। ओके, स्ट्रेट द विंग्स हैव जॉइंट जॉइंट कनेक्टिंग देम टर्गन टू द स्टर्न, जो विंग्स होते हैं इसके टर्गन से स्टर्नम तक इसके विंग्स ज्वाइंटेड होते हैं। अगर अपवर्ड्स की बात करें, अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द टर्गम, अगर ये टर्गम जो होता है अपवर्ड्स मूवमेंट करता है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो किसका कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। लोअर ऑफ द विंग्स, अगर विंग्स की बात करें तो अगर विंग्स लोअर लोअर डाउन होते हैं एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो डॉर्सोबेंट्रल मसल्स का होता है। ओके, फाइब्रिल मसल्स जो होती हैं, कुछ फाइब्रिल मसल्स भी होती हैं फाउंड, जो कि साउंड प्रोड्यूसिंग का काम करती हैं, जैसे टिम्फल मसल्स जो होती हैं, इन सिकेट्स सिकाड़ा कह सकते हैं इसे, सिकाड़ास जो होती हैं विंग्स मसल्स में, सेवरल मतलब बहुत सारे जो इंसेक्टा होते हैं वो आवाजें निकालते हैं, जैसे हो गया डिप्टेरा, डिप्टेरा फ्लाइज हो गई,
कैलियोप्टेरा का बटरफ्लाइज हो गए, ये सारी आवाज निकालती हैं। हेमनोप्टेरा वैस्प हो गए, ये भन 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 अपने विंग्स से आवाजें निकालते रहते हैं। ओके, हेमिप्टेरा हो गए, बक्स हो गए। अपेंडिजेस की अगर बात करें, आर्थ्रोपोड्स अडॉप्टेड ऑल डिफरेंट लोको, ये अपेंडिजेस किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, वॉकिंग में, पुशिंग में, रनिंग में, स्विमिंग में और बरोइंग में। ओके, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं और 2 पेयर इसमें विंग्स पाए जाते हैं। अगर देख सकते हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए, ये डॉर्सोवेंट्रल मसल्स हो गई। ओके, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये डॉर्सोवेंट्रल मसल्स हैं। ओके, ये वेंट्रल नर्व्स कार्ड्स है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ये मसल्स विद लिम्ब में इसका मसल्स है, इसी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। और ये स्टर्नम से लेकर, सॉरी स्टर्नम से लेकर टार्गन तक होती है। ओके, टर्गन। अगर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कंप्लीट टाइप का डाइजेशन पाया जाता है और कॉइल्ड होता है। ओके, दियर आर 3 मेन सेक्शन, इनमें जो डाइजेशन होता है 3 मेन सेक्शन में डिवाइड, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। ओके, जो फोर गट पार्ट होता है वो कवर करता है कौन कौन सा? फेरिंग्स और इसोफेगस को कवर करता है, जो फूड को बॉडी में ले जाने का काम करता है। सम टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड्स अदर ऑर्गन्स इन द फोर गट सच एज, मतलब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें अदर्स फोर गट में अदर्स ऑर्गन भी इंक्लूड होते हैं, जैसे गिजार्ड्स हो गया, जो कि ग्राइंडिंग, जो फूड के ग्राइंडिंग में भी हेल्प करता है। ओके, मिड गट और मिडल सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो टिपिकली स्टमक होता है, और हाइंड गट में लास्ट लास्ट सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन्स की अगर बात करें तो ये कोलन और एनस का पार्ट होता है, जो वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। फोर गट और हाइंड गट जो होता है लाइंड होता है काइटिनस का, और सम मटेरियल्स मेक अप द आउटसाइड ऑफ द, ये कुछ ऐसे भी मटेरियल इंक्लूड होते हैं जो एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। मिडगट में किसी भी तरीके की लाइंस नहीं पाई जाती। मिडगट प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स जो कि फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। द न्यूट्रिएंट कैन देन अब्सॉर्ब्स एंड यूज बाय द बॉडी, द न्यूट्रिएंट्स कैन देन अब्सॉर्ब, ये न्यूट्रिएंट जो होता है फिर बाद में अब्सॉर्ब हो जाता है बॉडी में। रिस्पिरेशन, इनमें रिस्पिरेशन किस टाइप का पाया जाता है? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये गिल है। ओके, ये ट्रैकिया है, ट्रैकियल सिस्टम है, ये बुक लंग्स है, और ये होता है बुक गिल्स। तो इनमें जो रिस्पिरेशन इज आइदर गिल्स, किसमें देखने को मिलता है? गिल्स आप प्रॉन देख सकते हैं, ट्रैकियल सिस्टम आप कॉकरोच देख सकते हैं, ये तो मैंने बटरफ्लाई लगा दिया, सॉरी हनी भी लगा दिया, बट ये कॉकरोच में भी देखने को मिलता है। बुक गिल्स क्रैब में देखने को मिलता है, ये क्रैब ही आप देख सकते हैं, बुक गिल्स देखने को मिल रहा है। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में भी देखने को मिलता है, ये रहा। ओके, आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका ओपन टाइप का होता है, इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, क्लोज टाइप का नहीं पाया जाता है। ओके, और ब्लड जो होता है कलरलेस होता है, जो कि हीमोलिम्फ होता है। ओके, बिकॉज ऑफ इसमें, क्योंकि ये किस लिए होता है? इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। हार्ट जो होता है ट्यूबुलर होता है, लाइज इन द डॉर्सल साइड में लाइज होता है, हैव्स ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में। आप जब उसका सेक्शन काटते हैं प्राण का, तो आप देखने को मिलता है कि उसमें किसी भी तरीके का रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता। और वो हीमोलिम्फ होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की वेन्स और आर्टरीज नहीं पाई जाती है। ओपन टाइप का ब्लड, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ये इसका देख लग सकते हैं। एब्डोमिनल सैक हो गया, ये थोरेसिक स्पाइरिकल्स हो गई, इसी के थ्रू माध्यम से ये ब्लड पूरे बॉडी में स्प्रेड होता रहता है। इंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो दीज हैव द फर्स्ट एनिमल्स हैव इंडोक्राइन, ये फर्स्ट ऐसा एनिमल जिनमें इंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिलता है। सम इंसेक्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट है जो फेरोमोन सिक्रीट करते हैं फॉर द सेक्स अट्रैक्शन के लिए। ओके, बॉम्बिकॉल, जैसे बॉम्बिकॉल हुआ सिक्रीट फीमेल मॉथ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलार्म सिग्नल के लिए भी यूज करते हैं इस हार्मोन्स को। ओके, जैसे कार्पोरा कार्डिएटा हो गए, इनमें से जो जुवेनाइल हार्मोन भी ये सिक्रीट करते हैं, एक डायसोम टाइप का जो लार्वल स्टेज और मोल्टिंग में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इट फॉर्म द सर्कम इसोफेरेंजियल रिंग टाइप का, इसमें सुपर, ये देख सकते हैं सुप्रा इसोफेरेंजियल गैंग्लिया जो मेन होता है, और इसी के थ्रू ये क्या कहता है, गैंग्लिया डिफरेंट पूरी बॉडी में गैंग्लिया टाइप का ये स्प्रेड होता है। ओके,
और ये डबल वेंट्रल और ये गंगलियोनेटेड नर्व कार्ड पाई जाती है। यही है गंगलियोनेटेड नर्व कार्ड, आप देख सकते हैं। ओके, सेंट्रल नर्व कार्ड ऑफ आर्थ्रोपॉड कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड डबल चेन ऑफ द गंगलिया। ये डबल चेन आपको देखने को मिल गई है एंड कनेक्टेड लेटरल कमीश्योर से, जो लेटरल कमीश्योर होता है उसे कनेक्ट होती है एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्यूडिनली बाई कनेक्टिव्स। और ये लॉन्गिट्यूडनल जो कनेक्टिव्स होते हैं एक दूसरे से देख सकते हैं कनेक्टेड है। दीज आर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स हुज सेल बॉडीज यूजुअली लाइज इन द पेरिफेरी ऑफ ईच गैंग्लिया। जो जिसकी सेल बॉडी क्या होती है, ईच गैंग्लिया से जुड़ी हुई होती है। अगर सेंस ऑर्गन्स की बात बात करते हैं, इनमें चार तरीके का सेंस ऑर्गन पाया जाता है, कंपाउंडाइज, स्टैटोसिस्ट, टैक्टाइल ऑर्गन और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी देखने को मिलता है। अगर कंपाउंड आइज की बात करें, जिसे मोजैक विजन भी कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये लाइट, वीक लाइट में भी देखने में हेल्प करता है। स्टैटोसिस्ट एक वो होता है बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जो बॉडी की को बैलेंस करने का काम करता है, उसको इक्विलिब्रियम बनाने का काम करता है बॉडी को। और टेक्टाइल ऑर्गन्स आर सीटी की बात करें, टेक्टाइल सीटी आर द सेंसरी वाटर करंट में आर सबस्ट्रेटम बनाने का काम करता है, सबस्ट्रेट बनाने का काम, दी जा रही स्टिमुलेट मूवमेंट को और टचिंग, मतलब ये टचिंग सेंस को जो होता है ये सेंस कर लेता है। ऑल्फैक्टरी अगर की करें तो ये इनमें जो नर्व्स होते हैं वो ऑल्फैक्टरी ब्रांच फॉर्म करती हैं, जो कि एंटीन्यूलरी नर्व्स के थ्रू इन्वर्टेड होता है और इसका फंक्शन होता है ऑल्फैक्टरी का, मतलब इनमें इनर्वेटेड एक सिंगल नर्व्स फाइबर्स पाई जाती हैं जो कि ऑल्फैक्टरी ब्रांच से इंटरकनेक्टेड होती है, जो और किसे, एंटीन्यूरी नर्व्स कार्ड्स कार्ड्स के थ्रू, और ये फंक्शन करती है सीटी ऑल्फैक्टरी का। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते थे, इसमें एंटीन्यूलरी ग्लैंड के थ्रू प्रॉन में होता है, ये रहा एंटीन्यूलरी ग्लैंड्स। ओके, मैलपिगन टिब्यूल कॉकरोच में देखने को मिलते हैं, ये मैलपिगन टिब्यूल्स हो गया। ओके, ये वाला पार्ट है, ये मैलपिगन टिब्यूल्स हो गए। कोक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में भी देखने को मिल जाती है, ये कोक्सल ग्लैंड हो गई ये पूरी। और ये अगर एक्वाटिक हैं तो ये अमोनिटेलिक होते हैं, अमोनिया सिक्रेट करते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल हैं तो यूरियोटेलिक हो सकते हैं, यूरिकोटेलिक हो सकते हैं, यूरिक एसिड सिक्रेट कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्स यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल होता है, मतलब डायोसियस एनिमल होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। और फर्टिलाइजेशन में भी, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब वाटर में ये एग्ले स्पर्म छोड़ देंगे और इसके बाद ओवा में जाके वो मिल जाएगा वाटर के थ्रू, इसमें माध्यम से एक्वाटिक फॉर्म में हो सकता है ये, जैसे प्रॉन में होता है फर्टिलाइजेशन। एंड मे बी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को, जैसे स्कॉर्पियन होता है, मॉस्किटोज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, इस टाइप का भी देखने को मिल सकता है। दीज आर जनरली ओविपेरस, ये ज्यादातर बच्चे देने वाले, सॉरी अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस माने अंडे देने वाले होते हैं। एंड ओनली फ्यू आर विविपेरस, कुछ ही होते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे स्कॉर्पियन इसका एग्जाम्पल है। आप सुने होंगे कि स्कॉर्पियन के बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं सबसे पहले अपनी माँ को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है, नो लार्वल स्टेज इन कॉकरोच, एंड इनडायरेक्ट लार्वल प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज इन बटरफ्लाई, कैटरपिलर, मॉथ, सिल्क वर्म्स, ओके, इन सब में क्या पाया जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई है, ये कैटरपिलर, इसका लार्वल स्टेज होता है। तो ये हमारा जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्लासिफिकेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मेरी वीडियो को जाने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।